अस्सलामुअलैकुम जी, आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार और आई एम श्योर आपके लिए बड़ी मालूमात लेकर आया है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन या मॉइस्चराइज़र पर, वो कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आपने अक्सर वो तमाम डॉक्टर्स जो स्किन में डील करते हैं उन्हें ये कहते सुना होगा, भाई मॉइस्चराइज़र लगाएं, भाई मॉइस्चराइज़र लगाएं, भाई मॉइस्चराइज़र लगाएं। लेकिन आप लोग उस पर, कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो नहीं करते उनके लिए हम एक बुरी न्यूज़ ये लेकर आए हैं कि ये तरोताज़ा एप्पल जो है ये कितना शाइन कर रहा है, क्योंकि ये यंग है, इसकी अपनी स्किन जो है वो बहुत ब्रीथ कर रही है। लेकिन अब जैसे जैसे ये स्टेल होता जाएगा, इसको मैं एक ऐसी जगह पे रखूँ जहाँ इसकी स्किन ब्रीथ ना कर सके, तो इसका क्या हाल होगा? ऐसे ही हाल होगा जैसे अगर आप गौर से अपनी हाथों की स्किन को देखें, उसका हो जाता है अगर आप बहुत देर तक मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते तो। इसलिए एक मॉइस्चराइज़र, आप अगर इसको, मैं फ़र्ज़ करें छोट, इसको कट करो, राइट, ऑल दो मैंने ऊपर से इसका पील नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको कट किया और ये देखें, चूंकि इसमें अपनी मॉइस्चर मौजूद है जो हल्की सी नमी होती है, इसलिए बहुत फ्रेश लगेगा। लेकिन जैसे ही ये बासी होना शुरू होगा कि इसकी अपनी जब नमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें रिंकलिंग पड़ना शुरू हो जाएगी और ये जो इसके ये वाले एरियाज़ हैं जो डार्क लग रहे हैं थोड़े, ये मज़ीद डार्क लगने शुरू हो जाएंगे। इसलिए नमी की बहुत अहमियत है। अब आप सवाल करते हैं कि मॉइस्चराइज़र हमें चाहिए क्यों? भाई हमें अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए एक ऐसे बैरियर की ज़रूरत होती है जो हमारे और माहौल के दरमियान एक वॉल की तरह काम करे। इसलिए हर स्किन को, चाहे वो चिकनी हो, खुश्क हो, कॉम्बिनेशन हो, जो जो तरीके की, मैं हंसती हूँ कभी देख के कि वो ये मेरी स्किन ऐसी है, ये कॉम्बिनेशन है, ये टी जोन है और ये ई जोन है, और जो भी जोन है, आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। चाहे वो आपकी फेशियल स्किन हो, चाहे वो आपकी हाथ या पाँव की स्किन हो, पाम या सोल हो, मॉइस्चराइज। आपको पता है, आपने कभी सोचा है कि आपकी पाम पे, आपकी सोल पे इतनी जल्दी लकीरें और ड्राइनेस क्यों आती है? इसलिए कि हम उसको मॉइस्चराइज्ड नहीं रखते। सो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप हाथ और पाँव पर किस तरह के मॉइस्चराइजर्स यूज़ करेंगे और फेस पर कौन से मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। तो मैंने ना आज मैंने सोचा क्लिनिक जल्दी ओपीडी ख़त्म हो गई है, तो मैं इन बच्चियों को पकड़ लूँ और ज़रा इनसे काम करा लूँ, है ना रिजवाना बेचारी। पानी भी है, ये तो मैं नहीं कह सकती कि नहीं यहाँ, तो इसलिए मैंने जवाब दे दिया, पानी भी है। मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है और उसके साथ साथ पानी भी ज़रूरी है। लेकिन ये जितना प्रचार हम टीवी पे कर रहे होते हैं और ओवररेट करते हैं पानी को, तो ऐसा भी नहीं है। जाहिर है कुदरत की तरफ से आपकी बॉडी में पानी की एक मिकदार रखी गई है और आपके सेल्स को नरिश रहने के लिए उस पानी की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे वो आपके आँख का सेल हो या स्किन के सेल हो। लेकिन जो पानी है वो आप 8-10 जो आपको कहा जाता है नॉर्मली, वो बिल्कुल ठीक है। 2 लीटर के करीब, 1.5-2 लीटर के करीब आप पानी कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड अमाउंट, बस इतना ही ठीक है। लेकिन ये कहना कि डायरेक्टली अभी मैं पानी पीऊँगी और अभी मेरी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, या मैं पानी पीऊँगी और मेरे हाथ बिल्कुल चमकने लगेंगे, ये बिल्कुल गलत है। एक लाइफस्टाइल जो आपने मेंटेन करना है, उसमें पानी ज़रूर आ जाता है कि आप पानी का और एक सही मिकदार में लेना, मॉइस्चराइज सही करना अपनी स्किन को, ये आपका एक प्रॉपर वे है। ये एक दिन के करने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये ज़रूर हो सकता है कि मॉइस्चराइज़र की टाइप चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अकॉर्डिंग टू द वेदर यू आर इन। ऐसा लेकिन नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, आपको गर्मियों में भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम उरूसा। अच्छा, उरूसा को एक्ने आती है, ऑब्वियसली आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है, तो आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हैं या नहीं करती हैं? आपको कहा गया होगा अरे आपकी तो स्किन ऑयली है, आप क्यों मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हैं? तुम तो स्किन क्लिनिक में काम करती हो ना, इसलिए यूज़ करती हूँ। नहीं, लेकिन पहले तो, अभी स्किन क्लिनिक में काम करने से पहले तो आपको लोगों ने बोला होगा नहीं 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 तुम नहीं यूज़ करना, है ना? चलो वेरी गुड, ये तो खुद आपकी अवेयरनेस है और आपकी भाभी का कमाल है। तो मसला ये सूँ, वैसे बाय द वे वी मिस यू सो मच। हाँ, डॉक्टर सूँ चली गई है, कैनेडा बैठ गई हो जाके,
पता नहीं खैर एनीवेज, तो मैं जो बता रही थी आप लोगों को कि अगर चलें रूसा की स्किन के ऊपर बात करते हैं हम, तो ऐसी फेशियल स्किन के लिए जो ऑलरेडी प्रोडक्टिव है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कोई सिरम बेस्ड लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, कभी रात को लगाने के लिए कोई थोड़ा सा विटामिन सी हो, नियासिनमाइड, और पता नहीं इतनी सारी चीज़ें आजकल आ गई हैं, हाँ कोई ना कोई ऐसा ऐसी चीज़ जिसमें 2% सैलिसिलिक हो, यू नो थोड़ा सा इनकी एक्ने के ऊपर भी काम कर ले, स्किन को फ्रेश करने के ऊपर भी काम कर ले और साथ में इनको मॉइस्चराइज भी रखे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे हम ब्रांचेस की इन हाउस फार्मेसी में, और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि भाई ये सिर्फ दी एस्थेटिक, बल्कि आई एम श्योर हर स्किन क्लिनिक में बहुत बेहतर चीज़ें होती हैं। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें कोई भी चीज़ लेने से पहले। तो इनके लिए बेहतर ये है कि अगर ये कोई भी लाइट वेट सिरम मॉइस्चराइज़र के तौर पर यूज़ करें, हाइड्रेशन बेसिकली मॉइस्चराइज तो हाइड्रेशन के तौर पर यूज़ करें। लाइट वेट मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये इनको कोई भी ऐसा ऐसी चीज़ हम नहीं दे सकते जो इनके पोर्स को और क्लॉग करे, इसीलिए इनको सनब्लॉक और मॉइस्चराइज़र नॉन कॉमेडोजेनिक लगाना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हाइड्रेशन नहीं होगी, इसमें भी जितनी आपकी स्किन को चाहिए हाइड्रेशन मौजूद होगी। तो इसलिए इन सीरम्स को जो आजकल बहुत प्रैक्टिस में है, और इसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ दिन के लिए सीरम और रात के लिए सीरम और यूज़ कर सकते हैं। अगर एक भी यूज़ करना, डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर आपको किस तरह का सीरम प्रिस्क्राइब कर रहा है। फेशियल स्किन के लिए और ख़ास तौर पर ऐसी स्किन जो प्रोडक्टिव है उसके लिए बेस्ट है कि आप हाइड्रेशन जो है थ्रू सीरम लें। लाइट वेट होते हैं तो इसलिए बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन भी आ जाती है। अच्छा, हबीबा की जो स्किन है, ऑफिस में होती हो तुम पूरे वक्त, और तुम्हारी किस तरह की स्किन है? कॉम्बिनेशन स्किन है, कोई पैच तुम्हारा ड्राई है? ड्राई, लोअर फेस ड्राई है और अपर फेस ऑयली है, ठीक है। सो ऐसी स्किन के लिए बेहतर है कि आप डॉक्टर से जब मशवरा करेंगी तो आई एम श्योर वो आपको लाइट वेट कोई मॉइस्चराइज़र जिसमें कि हाइलुरोनिक बहुत अच्छी मिकदार में हो, लोशन हो सकता है ऐसी स्किन के लिए, ऐसी स्किन के लिए सीरम और लोशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो लोशन एंड सीरम ऐसी स्किन के लिए बेहतर है। आप हाथ और पाँव की स्किन ड्राई है आपकी, ये हम बताएंगे आखिर में। आप का काम ख़त्म हो गया, आप जा सकती हैं, थैंक यू वेरी मच। चलो, मैंने तो उसको जानबूझ के रिजवाना कि मैं आपके बराबर में बैठ सकूं, मैंने कहा मेरे लिए सीट खाली नहीं हो रही, तो ऐसे ही करते हैं ना, दूसरे की को खींच लेते हैं, खुद बैठ जाते हैं, मैं बैठ गई। अच्छा, एनीवेज टू कट इट शॉर्ट, अब रिजवाना आपकी कैसी स्किन? मैम मेरी जो स्किन है वो बहुत ड्राई है, मैं कोई ड्राई जी कुछ लगाऊं ड्राईनेस ही रहती है। अच्छा, और उसके वजह से आप एक के बाद एक चीज़ें लगाती रहती होंगी, यही मसले हैं कि ड्राई स्किन पे हम ये समझते हैं कि बस इतना थोपना चाहिए उसके बाद भी ड्राई रहती है। सिलेक्शन ऑफ राइट मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। अब ऐसी स्किन के लिए मोस्टली जो इमोलियंट्स हैं या जो क्रीम्स जिन्हें आप कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। ऐसी स्किन पे जो सीरम्स हैं उसके साथ कंबाइन करके भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन इमोलियंट या क्रीम आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, वो लगानी है आपने, और साथ में सनब्लॉक भी ज़रूर लगाना है, ठीक है। थैंक यू रिजवाना। ऑब्वियसली अगर ज़ेरोटिक स्किन है, एक्जिमा है, सोराइसिस के पेशेंट हैं आप, तो आपकी स्किन प्रोन ज़ाहिर है ड्राई होगी, और उसके लिए मॉइस्चराइज़र बहुत अहम रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर जैसे स्कैल्प है या बॉडी में पूरी है, तब आप अपने डॉक्टर के मुताबिक क्रीम्स तो यूज़ करेंगे, स्कैल्प के लिए शैम्पूज भी यूज़ करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो आपकी फेशियल स्किन पे भी बहुत असर करेगी। ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये डाइट लें, डाइट आप बैलेंस लें, अपने आप की सेहत का ख्याल रखें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, अच्छी अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करें, तो चीज़ें बेहतर रहती हैं। बट एक सर्टन पॉइंट पे बहुत सारी चीज़ों की, न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो रही होती है, फिर हॉर्मोन्स में भी चेंज आ रही होती है, तो इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपकी स्किन पर भी होता है, आपकी स्किन की टोन पे भी होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ, कि अक्सर लोग अपनी फेस की स्किन का ख्याल रखते हैं, लेकिन हाथ और पैरों की स्किन जो है
वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। आपको पता है हाथ और पैरों की स्किन भी आपसे उतना ही इंटरेस्ट और प्यार डिमांड करती है जितना आपकी फेस की स्किन है। अगर आप फेस पे अपने लोशंस या सीरम्स यूज़ कर रहे हैं तो हाथ पैरों के लिए, जो कि बहुत एक्सपोज होते हैं एनवायरमेंट से और बार बार चूंकि धुलते भी हैं, काम भी हम उन्हीं से कर रहे होते हैं, जैसे मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं क्योंकि मैं मोस्टली एसी में भी रहती हूँ, फिर मुझे बार बार चूंकि ग्लव्स चढ़ाने होते हैं, काम है मेरा ऐसा, तो उससे भी बहुत ड्राइनेस आती है। तो कोई अच्छा थिक बैरियर इसके ऊपर होना, बार बार लगाना, वो सारी खवातीन जो होम मेकर्स हैं उनका काम पानी में बहुत ज़्यादा है। वो कोशिश करें कि हाथ पे कोई थिक इमोलियंट अपने हाथ और पैरों पर ज़रूर लगाएं, स्पेशली रात को सोते वक्त। अच्छा, ऐसी कोई एक्स्ट्रा एक्सफोलिएशन नहीं होती। एक्सफोलिएशन भी बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए। अगर आप वीक में कोई ऐसी स्क्रब टाइप की कोई चीज़ दो दफ़ा यूज़ करते हैं दैट इज़ ओके। और कोई अच्छा, अगर आप ये ऑर्गेनिक स्क्रब्स यूज़ कर रहे हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट हमारे पास हमारे क्लिनिक सेटअप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी सेंसिटिवली आपकी स्किन को डील करती हैं और उसमें कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन को बहुत सॉफ्टली और जेंटली पील करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, उससे कोई ऐसी ड्राइनेस नहीं आती 2%, 3%, 5%, 10%। वो अगेन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आपके प्रॉब्ली मॉइस्चराइजर्स में, आपके नाइट क्रीम में या आपके फेस वॉश में। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये सेशन ऑफ करूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो तीन चीज़ें याद रखें। मैं फिर ये इस पर बहुत सारे मॉइस्चराइजर रखे हैं लेकिन अगेन मैंने आपको कोई एक बता दिया तो मुझे डर लग रहा है जैसे कि आप ये ना कहें कि बस यही ठीक है और मैं यही, ऐसा नहीं है कुछ। वो आपको देखना ज़रूर पड़ेगा, अपनी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो चाहे हमारे सेटअप में दिखाएं या कहीं और दिखाएं, डॉक्टर जो कहे वो सही है। बाकी ये तो मैं एक जनरल ओपिनियन आपको देती हूँ, तो उस पे मत जाएं कि उसने बता दिया तो यही करना है। जब भी आप अपने लिए मॉइस्चराइज़र या हाइड्रेशन का सिलेक्शन करें तो उसमें दो तीन चीज़ें ज़रूर देख लिया करें। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र पकड़ें, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो ये तो 50 चीज़ें लिखी हुई हैं। दो तीन चीज़ें इनमें, आई एम श्योर ये सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें आप अपने मॉइस्चराइज़र में जब भी लें तो आप काउंटर पर ज़रूर पढ़ें। एक तो पेट्रोलेटम है, पैराफिन है, ये इंग्रेडिएंट्स में होने चाहिए, जिंक है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, सेरेमाइड्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर मॉइस्चराइज़र में होनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र के अगर टाइप पे आए ना तो वैसे तो मैं बताऊंगी तो आपको इमोलियंट्स हैं, हेमेक्टेंट्स हैं, लेकिन वो बहुत ही कोई टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगी। बस सिर्फ दिमाग में ये याद रखें कि कोई भी ऐसे ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर्स जो ज़रा एक लेयर दे देते हैं आपको, वो आपके हाथ पैरों के लिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं। लाइट वेट या मीडियम वेट यानी लोशन टाइप के, वो आपके फेस के लिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं। उसको आप कंबाइन कर सकते हैं अपने सीरम्स के साथ।